Assalamu alaikum. Welcome to Excellent College e-learning program. I am Abdul Sattar, Assistant Professor of Physics. ये पार्ट टू की फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे. इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको सबसे पहले देना है, वो ये कि दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 10 चैप्टर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस. वो कुछ इस तरह से हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13. एक फिफ्थ क्वेश्चन इनमें से आएगा, सिक्स 14 और 15 में से, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, वो 16 और 18 में से. इसी तरह से 17 और 19 है, 20 और 21 है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये पेयरिंग स्कीम जो है वो कुछ इस अंदाज से है. ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 टोटल एग्जाम में आएंगे और वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस का इसमें चॉइस होगा, राइट? तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ कम्बिनेशन इस तरह से है. अब इसमें थ्योरी जो है वो आपकी 85 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का होगा. बाकी इसके जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी डिटेल साथ साथ हम बताते जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर आपका है जिसका टाइटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. अब इसके टाइटल पे अगर हम गौर करते हैं तो ये दो नेम्स को कंबाइन करके बनाया गया है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कह लीजिए, और स्टैटिक्स मीन रेस्ट. तो मेरा ख्याल अगर हम इसके मीनिंग को जान जाएं तो इसको हम स्टेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह की ब्रांच होगी, इसमें क्या हमने स्टडी करना है. तो भाई फिर ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट. तो ये हम चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे होंगे, राइट? अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. किसकी? मैटर की. जो जिसकी वजह से वो मैटर एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स जब उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है. अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. यानी जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो ये ऐसे कोई पार्टिकल्स नहीं हैं जिनको, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है. और आप जानते हैं कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है. अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज. तो इन चार्जेस को कौन कैरी करेगा? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको कैरी करते हैं. जैसे पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेंगे प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अच्छा जी, अब ये जो इसकी एसआई यूनिट की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो कूलम है. साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इसकी एसआई यूनिट कूलम, एब्रीविएटेड में हम इसको सी से लिख लेते हैं. अब इसको जरा हम डिफाइन करते हैं कि एक कूलम चार्ज कितना होगा. तो दो तरह से मैं इसको डिफाइन करूंगा. या तो आप इस तरह से कह लीजिए कि चार्ज ऑन 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम. और अगर हम कोई कंडक्टर किसी वायर की बात करें
और उसके किसी क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड में अगर एक एम्पेयर करंट पास कर रही है, तो तब जो इसमें से चार्ज पास कर रहा होगा दैट विल बी वन कूलम, यानी वन कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर पर सेकंड। तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कूलम चार्ज जो है वो क्या होगा। अच्छा जी, अब मैंने जैसे बात की यहां पर कि पॉजिटिव चार्ज को कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कैरी कर रहा होगा, वो मैंने आपसे कहा कि प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज को जो कैरी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी, अमाउंट कितनी होगी, वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी चार्ज की क्वांटिटी जो है वो यही है, लेकिन चार्ज की नेचर जो है वो अपोजिट है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की नेचर पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की नेचर जो है वो नेगेटिव है। तो ये सिर्फ नेचर का इसमें फर्क है, क्वांटिटी में दोनों जो है वो इक्वल है, राइट। तो अब यहां पर फिर हम ये, चूंकि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनके ऊपर जितना चार्ज होगा दैट विल बी वन कूलम। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपसे नेचर की बात की है, तो लाइक चार्जेस वो चार्जेस होंगे जिनकी नेचर सेम होगी, आइदर दे विल बी बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ चार्जेस विल बी नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस जो होंगे दे विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अच्छा, इस चैप्टर में हम ये बार बार बात करेंगे पॉइंट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज क्या होता है और एक टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज जो है वो एक टाइनी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा जस्ट लाइक अ पॉइंट, और उसके ऊपर चार्ज होगा, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। दोनों ये चार्जेस हो सकते हैं उस पर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज जो होगा ये इसको सिर्फ ये इट विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल इन क्वांटिटी, इट मस्ट बी स्मॉल इन क्वांटिटी, और इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा भी। इसको हम किसी खास पर्पज के लिए यूज कर रहे होंगे, तो टेस्ट चार्ज फिर ऐसा चार्ज है जो कि पॉजिटिव होगा और वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी होगा, राइट। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम, ये जो हम चार्ज की बात कर रहे थे और हमने कहा कि ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और एटम आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल जीरो, चार्ज जीरो होगा। कैसे जीरो हुआ, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, दे विल कैंसल ईच अदर। तो अल्टीमेटली एक कोई भी आप किसी भी चीज का एक एटम ले लेंगे दैट विल बी न्यूट्रल। अब ये रहा कि जब हम चार्ज एटम या चार्ज बॉडी की बात करते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज और इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब ये चार्ज आएगा कैसे, अब उस एटम में उस बॉडी में या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को एड अप करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को वहां से टेक अवे करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज होगा। या ऐसे कह लें कि अगर किसी एटम के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है
तो देन इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है देन इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये खुद एटम से बाहर नहीं आएंगे, वी हैव टू रिमूव देम, वी हैव टू ऐड देम। तो इस पर्पज के लिए ये मुख्तलिफ मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी एटम को, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी रबर को, ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं तो रबिंग प्रोसेस के दौरान किस एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे बॉडी में एड अप हो जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, राइट। और एक दो बातें और कि ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं इसकी भी कुछ ये फर्दर इसके कुछ लाज हैं जिनको हम, जैसे हम कहते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, और इसी तरह से ये चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो इसकी ये जो क्वांटाइजेशन है और ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसकी भी बात हम जो है वो फर्दर इसको इसी चैप्टर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का उसको हम डिस्कस करते हैं, कूलम्स ला। ये कूलम्स ला जो है ये चार्जेस के दरमियान फोर्स के बारे में है। उस फोर्स को हम कूलम्स फोर्स भी कहेंगे, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह लेंगे, और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कह लीजिए, आप इसको कूलम्स फोर्स कहें, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहें, ठीक। तो सबसे पहले ये इस फिगर को ज़रा हम देखते हैं। इस फिगर में आपको दो पॉइंट चार्जेस दिखाए गए हैं, Q1 एंड Q2। दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस स्मॉल r। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, दैट इज स्मॉल r, सेपरेशन डिस्टेंस। अब ये दोनों चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं हम, मैंने आपसे कहा कि ये जो पॉइंट चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहां पर दोनों हम पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं, Q1 भी और Q2 भी, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी लिया जा सकता है, वट एवर द केस, राइट। तो यहां पर अभी हम इसको दोनों को जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं। तो अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट को अगर हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को देखें तो उसको मैं बता रहा हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। देखिए आप जानते हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी मैंने फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की है, उसकी क्वांटिटी की बात की है, उसकी वैल्यू की बात की है कि वो कितनी होगी, राइट। इसकी डायरेक्शन की हम बात उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी बात हो रही है फोर्स के मैग्नीट्यूड की। तो फिर से इसको सुन लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और इट मे बी अट्रैक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द चार्जेस। तो जैसे मैंने कहा कि हमने डायरेक्शन की भी बात करनी है तो उसमें हम नेचर को डिस्कस करेंगे, या यूं कह लीजिए मैं भी आपसे बात कर रहा हूं कि चार्जेस की जो क्वांटिटी है वो डिटरमिन करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इनकी जो नेचर है वो डिटरमिन करेगी कि ये रिपल्सिव फोर्स होनी है या फिर अट्रैक्टिव होनी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको कूलम ने एक लॉ की सूरत में दिया है हमें, तो इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्सिव और
फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखें, मैं यहां चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अभी नेचर साथ आपने नहीं कंसिडर करना, राइट? फिर से सुनिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। मैथमेटिकली हम इसको राइट डाउन करें तो ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कंबाइनिंग दीज टू वी कैन राइट इन दिस वे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, राइट? अब ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको जब हम रिप्लेस करते हैं इक्वलिटी साइन के साथ तो साथ एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर इस कॉन्स्टेंट को जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहां पर के है, और के को हम नेम देते हैं कूलम्स कॉन्स्टेंट। ये कूलम्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए वो है के इज इक्वल टू 1/4πε0। ये फ्री स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। फ्री स्पेस क्या है? वैक्यूम। इफ देयर इज नो मटेरियल ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस देन वी कैन से दैट देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, राइट? तो ये के की वैल्यू उस वक्त है जब इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी एक कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की 8.85×10^-12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर कूलम स्क्वेयर होती है। इसी वैल्यू को अगर हम इस रिलेशन में पुट करते हैं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कूलम्स कॉन्स्टेंट, दैट विल बी 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। एक बात अगर आप यहां पर नोट करें तो ये कूलम्स कॉन्स्टेंट और एप्सिलॉन नॉट ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के हैं, तो इनकी यूनिट्स भी भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। यहां आप देख रहे हैं न्यूटन की पावर -1 है तो इधर न्यूटन की पावर 1 आ गई, इधर मीटर की पावर -2 है तो इधर +2 है, इधर कूलम की पावर +2 है तो इधर -2 है। तो इनकी यूनिट्स भी भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी, एक दूसरे के उलट होंगी इनकी जो यूनिट्स है। जी अब हम ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात हो रही थी, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी साथ डायरेक्शन का भी जिक्र होगा। आप जानते हैं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का जिक्र हो गया, अब इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 फिगर यही आपकी दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, मैं दोनों की नेचर जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब जब नेचर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये लाइक चार्जेस होंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा, राइट? बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर। इट मीन्स Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है और Q2 चार्ज Q1 के ऊपर। तो F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह से F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये जस्ट हम इसको F1, F2 भी कह सकते थे,
एफ और एफ डैश भी कह सकते हैं, दो फोर्सेस को हमने नेम देना है। तो लेकिन यहां 1 2 और 2 1 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, कूलम्स लॉस है, और इसकी डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं। आप Q1 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो आप देखें कि लेफ्ट की तरफ है, यानी Q2 चार्ज से Q1 की तरफ है, जिसको हम यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं R12, राइट। इसी तरह से ये जो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस विल बी इट्स डायरेक्शन शोन बाई अ यूनिट वेक्टर R21, और इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होगी भाई। ये जो Q2 के ऊपर फोर्स लगना है Q1 की वजह से, दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। तो इसको हम जिस यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं दैट इज R21, राइट। तो ये है जी वेक्टर फॉर्म, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस विल बी द डायरेक्शन। नाउ अब ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं, फार्मूले से हमें इस बात का पता चल रहा है, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर जो है वो राइट की तरफ है और एक यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। इट मींस इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इट का मतलब ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो किसी एक को रिवर्स कर दीजिए देन दे विल बिकम इक्वल। तो यहां आप देख रहे हैं R12 को हम इक्वल कह सकते हैं, लेकिन R21 को फिर रिवर्स करने के बाद, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये R12 की जगह पर अगर हम ये -R21 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 ये बन जाएगी हमारी। इसमें फिर ये जो हमारा नेगेटिव साइन के अलावा K Q1 Q2 over R² इंटू R21 होगा, वो हमारा क्या होगा जी F21। तो ये भाई हमारे पास एक रिलेशन आ गया, सॉरी F12 इज इक्वल टू -F21। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है हमारे पास। ये क्या है, ये भाई हमें ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बिल्कुल, इसका मतलब जितनी Q1 फोर्स, Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा था, Q2 चार्ज Q1 के ऊपर एग्जैक्टली वही फोर्स लगा रहा था बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो मैं यहां पर आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो फिर F12 और F21 है वो एक्शन और रिएक्शन का एक पेयर है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये यहां कूलम्स लॉ में भी फिर बिल्कुल वही बात आ गई जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में थी। तो मैं यहां फिर इसको ये इस तरह से कहूंगा कि ये कूलम्स लॉ जो है ये इनकंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या ये कह लीजिए कि ये जो कूलम्स लॉ है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन का ये दोनों एक पेयर है और ये अपोजिट टू ईच अदर है, राइट। तो ये जी हमारे पास आ गया फिर एक रिलेशनशिप कूलम्स लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसका जो लास्ट पोर्शन है आपके इस टॉपिक का वो है हमारा कि इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम क्या है, एनी मटीरियल ऑब्जेक्ट कैन सर्व एज मीडियम, लेकिन वो अच्छा उसकी फिजिकल स्टेट कोई भी हो सकती है, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस, गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, कोई भी मीडियम जो है, कोई भी
मटेरियल जो है उसको हम एज मीडियम यूज कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली हम मीडियम जो लेंगे वो कोई इंसुलेटर होना चाहिए, कोई डाइइलेक्ट्रिक होना चाहिए। ये क्यों भाई? इसके अलावा क्यों नहीं, कोई कंडक्टर क्यों नहीं हम ले सकते? भाई देखिए, हमारी ये जो चैप्टर है या ये जो ब्रांच जिस चैप्टर से रिलेट कर रहा है वो हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, और अगर चार्जेस के दरमियान कोई कंडक्टर होगा तो देन वो चार्ज मूव कर जाएंगे, कंडक्ट करेंगे। इसलिए अब पहले हमने बात की थी कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई मीडियम रख दें जो इंसुलेटर होना चाहिए या कह लें कि कोई डाइइलेक्ट्रिक हो, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कूलम्स फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो ये अब हम देखना चाह रहे हैं। तो ये अब आप फिर अच्छी तरह से कि ये मीडियम आपने क्या लेना है, वो कोई इंसुलेटर लेंगे या कोई डाइइलेक्ट्रिक लेंगे, वट एवर इट्स फिजिकल स्टेट, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी गैस। अच्छा जी, अब जब दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम था उस वक्त जो फोर्स है आप उसको सिंपली एफ से लिख लें या एफ वैक्यूम, ये वैक्यूम थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में लिख लेंगे वी ए सी फॉर वैक्यूम। और जब दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस किया होगा तो देन उस फोर्स को आप डिनोट कर सकते हैं एफ डैश या फिर एफ मीडियम से, ये एम ई डी ये आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, राइट? तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इसको डिनोट करना चाह रहे हैं। चले जी, मैं इनको जब दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस था, वैक्यूम था, उस वक्त इसको एफ से लिख रहा हूँ, और जब कोई मीडियम था उस वक्त इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट विल बी एफ डैश। तो अब ये क्या इफेक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की गई है कि ये जो मीडियम प्लेस करें, इंसर्ट करें अगर हम चार्जेस के दरमियान, तो ये फोर्स जो है ये रिड्यूस हो जाती है बाय ए फैक्टर एप्सिलॉन आर। जैसे आप देख रहे हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इनटू एफ। मीडियम रखने से चार्जेस के दरमियान ये जो कूलम्स फोर्स है ये रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज होगी ये इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन आर के ऊपर। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम मैं दो तरह से आपको डिफाइन करूंगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। एक तो इसी फार्मूले से अगर हम बात करें तो ये एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ डैश, इट मींस इट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस टू द फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दो फोर्सेस के दरमियान एक रेशो है, वो फोर्सेस कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जब चार्जेस के दरमियान वैक्यूम, जब चार्जेस के दरमियान मीडियम। इसी तरह से ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसको एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो है कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान एक रेशो है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के दरमियान एक रेशो। ये जो एप्सिलॉन आर है जिसको मैं रिलेटिव परमिटिविटी कह रहा हूं, इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह लेते हैं, ये इसका दूसरा नेम है। तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये डिफरेंट मीडिया के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मेन इसका फीचर एक ये है कि इट हैज़ नो यूनिट। वो नो यूनिट इसलिए है कि यहाँ आप दोनों डेफिनेशन में ये दोनों जो रिलेशन मैंने लिखे हैं आप देख सकते हैं कि ये लाइक क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रेशो है, लिहाजा इसकी यूनिट नहीं होगी। इससे पहले भी हमने ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात की है
तो इसकी कोई यूनिट थी हमारे पास, लेकिन ये जो एप्सिलॉन आर की अब हम बात कर रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं, इट हैज नो यूनिट। और कोई भी मीडियम आप लें, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, उसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन, राइट। अब पर्टिकुलरली फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम के लिए भाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है दैट इज वन, और एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.006, सॉरी दिस इज फॉर एयर। तो इनको जरा आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की वैल्यूज के दरमियान। इसलिए जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो अगर तो फिर वैक्यूम होना चाहिए टिपिकली चार्जेस के दरमियान, लेकिन अगर एयर भी हो जाए तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज फ्री स्पेस, क्योंकि ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब तरीन है। इसका मतलब जब हम कहें कि फ्री स्पेस है तो आप ये समझ लें कि दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये आपकी बुक में इस टॉपिक में एक टेबल बनाकर दिया हुआ है जहाँ पर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मीडिया के लिए राइट डाउन की गई है, उनको आप एमसीक्यूज के लिए तैयार कर सकते हैं। उसमें एप्सिलॉन आर जो कि वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए है वो तो वन है, एयर के लिए ये रही। उस टेबल में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो वाटर के लिए है, लेकिन वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, दैट विल बी 78.5, ठीक है जी। जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।